अब्दुल कलाम जी ने बोला है। और क्या बोला है? उन्होंने बोला है कि सक्सेस स्टोरी नहीं सुननी है भाई, ठीक है, फेलियर स्टोरी सुनिए, शायद कुछ हासिल हो जाए। अब हमारे यहाँ पे क्या होता है, हमारे यहाँ पे कोचिंग सेंटर जनरली ऐसा काम करते हैं। और कैसा काम करते हैं, जब भी रिजल्ट आता है अगले 10 दिन 15 दिन बस दिखा रहे होते हैं अपने आप को मार्केट करने के लिए कि देखो भाई हमारे यहाँ पे ये रैंक वाला बंदा है, ठीक है, और आप सुन रहे हो सक्सेस स्टोरी उस बंदे की कि भाई देखो इस बंदे ने कितना मेहनत की, इस बंदे ने क्या किया, उसके पास ये नहीं था। मतलब आपने कभी देखा होगा ना ये मीडिया चैनल पे जो एक्टर लोग आते हैं, ठीक है, वो बोलते रहे, हर एक्टर ये बोलेगा मेरी लाइफ इतनी परेशान थी, मैंने नमक के साथ रोटी खाई, मैंने पानी के साथ रोटी खाई, मेरे पास रोटी नहीं थी खाने को। अरे भाई तुम जिंदा हो मुझे बड़ी हैरानी है, मतलब इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं लोग, अजीब सी बात है। तो ऐसे मत सुनिए सक्सेस स्टोरी, कोई फायदा नहीं है। हमारे देश का सिस्टम, मैं कई बार आपको बताता हूँ, हमारे देश का सिस्टम इस तरह का है कि यहाँ पे कोई भी सक्सेसफुल आदमी है ना वो स्ट्रगल करके ही बनाए, बस ये आप नोट कर लो। तो इसलिए जो भी सक्सेसफुल आदमी होगा, जिसकी भी आप स्टोरी सुनोगे, उसकी एक स्ट्रगल स्टोरी होगी, उसने स्ट्रगल किया होगा। हजारों स्टोरी मिल जाएंगे आपको, अपना समय मत खराब कीजिए। जनरली मैं देखता हूँ बहुत सारे ऐसे, मतलब यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस होते हैं, किसी की रैंक आ गई भाई 1, 2, 3 रैंक आ गई, और वो अपनी लाइफ स्टोरी सुना रहा है कि मेरी ये लाइफ स्टोरी थी, मैं इतना परेशान था, मैं ये था, वो ये था, और आपके आप पता नहीं धड़ाधड़ देख रहे होते। अरे भाई क्यों समय खराब कर रहे हो यार, अपनी स्टोरी बनाओ, ठीक है। सक्सेस स्टोरी नहीं सुननी है, ना ही किसी को सुनानी है, कोशिश तो ये करो। किस लिए सुनानी है, मतलब हर किसी की अपनी सक्सेस स्टोरी है, क्या मतलब है उसका, मत इमोशनल बटोरिए, ठीक है। जो ये इस तरह की कहानियां सुनाते हैं ना, मुझे तो ये लगता है ये अपना इमोशंस बटोर रहे होते हैं, अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। मतलब ये क्या मतलब है, आप दिखा रहे हो कि भाई तो बड़े हो जाइए यार, ठीक है, बच्चे मत बनो, ठीक है ना। तो कुल मिला के सिंपल फंडा है, फेलियर स्टोरी सुनिए। फेलियर स्टोरी का फायदा आपको ये होगा, एटलीस्ट आपको ये तो पता चलेगा ना कि यार ये मिस्टेक नहीं करनी है मुझे लाइफ में, बिकॉज इस मिस्टेक से ये फेल हो गया बेचारा, ठीक है, तो इसका मतलब इसमें कुछ कमी है, ठीक है ना। तो ऐसा अगर कोई फेलियर स्टोरी है वो सुनिए भाई, सक्सेस स्टोरी नहीं सुननी है।